स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हमारी इंडियन करेंसी दिखाती हूँ. ओके, सो अब देखो ये क्या है. 1 रुपीज का कॉइन है. कितने रुपीज का कॉइन है? 1 रुपीज का. यहाँ पे देखो लिखा है रुपीज 1, है ना. ये 2 रुपीज का कॉइन है. यहाँ पे भी लिखा है देखो रुपीज 2, है ना. देन ये 5 रुपीज का कॉइन है. यहाँ पे भी लिखा है 5 रुपीज. देन ये 10 रुपए का कॉइन है, रुपीज 10. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ. ओके, अब देखो ये क्या है. 10 रुपीज का नोट है. ओके, इस पे भी लिखा है रुपीज 10. ओके, देन ये है रुपीज 20. ओके, सो आप बोलोगे कितने पैसे देने हैं किसको, तो कैसे पहचानेंगे. तो हर एक नोट पे क्या होता है, कितने रुपीज की नोट है या कितने रुपीज का कॉइन है उस पे अच्छे से लिखा होता है. अगर आप ये हैंडल करते हो तो आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना. सो यहाँ पे लिखा है रुपीज 20. यानी 50 रुपीज का नोट है, यहाँ पे भी लिखा है रुपीज 50. ओके, देन ये 100 रुपीज का नोट है. सो यहाँ पे भी लिखा है रुपीज 100. सो ये है 200 रुपीज का नोट, यहाँ पे भी लिखा है रुपीज 200. देन ये 500 रुपीज का नोट है, तो इस पे भी लिखा है रुपीज 500. ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारी इंडियन करेंसी है. ओके, सो हर एक नोट पे क्या दिया होता है, हिंदी में और इंग्लिश में, ये दोनों लैंग्वेजेस में क्या दिया होता है, कितने रुपीज की नोट है वो दिया होता है. ओके, सो आपको क्या करना है, नोट्स और कॉइन्स आपके पापा से मांगने हैं और क्या करने हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना है. ओके, सो उस पे क्या क्या है, है ना. अब क्या करेंगे हम, कुछ काउंटिंग और मनी की राइटिंग सीखेंगे. ओके, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है. सो स्टूडेंट्स, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 172. अब देख यहाँ पे हमारा चैप्टर दिया है, चैप्टर का नाम है मनी. ओके, सो मनी इज यूज टू पे फॉर द थिंग्स वी बाय. ओके, सो मनी का यूज हमें कहाँ पे होते हैं, जो थिंग्स हम परचेस करते हैं, बाय करते हैं, उसके लिए हमें क्या देने पड़ते हैं स्टूडेंट्स, यस मनी देने पड़ते हैं, है ना. सम कॉमनली यूज नोट्स एंड कॉइन्स आर गिवन बिलो. अब देखो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ये 50 पैसे का कॉइन है. ओके, ये 1 रुपीज कॉइन है, ये 2 रुपीज कॉइन है, ये 5 रुपीज कॉइन है, ये 10 रुपीज कॉइन है. ओके, सो ये 5 का नोट है जो अब नहीं है. ओके, सो 10 रुपीज नोट है, 20 रुपीज नोट है, 50 रुपी का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है और ये 2000 का नोट है. ओके, सो ये हमारी क्या है, इंडियन करेंसी है. ओके, अब देखो नीचे क्या दिया है, काउंट एंड राइट द टोटल मनी इन ईच बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू. हम क्या करेंगे, ये जो हर एक बॉक्स में हमें क्या दिए हैं, नोट्स और कॉइन्स दिए हैं, वो क्या करेंगे, कितने रुपीज है वो काउंट करेंगे. ओके, सो अब देखो फर्स्ट बॉक्स देखो, फर्स्ट बॉक्स में 5 रुपीज दिए हैं, 10 रुपीज दिए हैं और 2 दिए हैं. ओके, अभी हमने 10 रुपीज ले लिए, फिर हमने ये 5 रुपीज ले लिए और ये 2 रुपीज ले लिए. ओके, सो लेट्स काउंट स्टूडेंट्स की हमारे पास कितने रुपीज हैं, 10 और 5 15, 15 और 2 17. ओके, सो देखो यहाँ पे रुपीज 17 लिखा है ना. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 का नोट दिया है. ओके, 10 का नोट दिया है, 5 के 2 कॉइन्स दिए हैं और 2 रुपीज का 1 कॉइन दिया है. ओके, सो अब हम काउंट करेंगे, 20 plus 10 30 30 plus 5 35 35 plus 5 40 40 plus 2 42. ओके, सो यहाँ पे कितने रुपीज है, रुपीज 42. ओके, देन नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कॉलम में 10 के 2 नोट्स है, 50 का 1 नोट है. ओके, सो
हम क्या करते हैं, 50 का एक नोट लेते हैं और 10 के टू नोट्स लेते हैं, 10-10 रुपीस के, ओके। और कॉइन्स क्या है, 5-5 के टू कॉइन्स है, 2 का वन कॉइन है, सो ये 5 के टू कॉइन्स हम लेते हैं और 2 रुपीस का वन कॉइन लेते हैं। अब हम काउंट करेंगे कितने पैसे हमारे पास, ओके। सो ये 50 plus 10 60 60 plus 10 70 70 plus 5 75 then 75 plus 5 80 80 plus 2 82, ओके। सो हमारे पास कितने रुपीस हैं, 82 रुपीस। सो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, रुपीस 82। सो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक 100 का नोट दिया है, ओके, एक 10 का नोट दिया है, एक 5 का कॉइन है और 1 रुपीस का कॉइन है, सो हम भी 5 का कॉइन लेते हैं और 1 रुपीस का कॉइन लेते हैं, ओके। सो लेट्स काउंट हाउ मेनी मनी वी हैव, 100 plus 10 110 then 110 plus 5 115 115 plus 1 116। सो हमारे पास कितने रुपीस है, रुपीस 116, ओके। कितने रुपीस है हमारे पास, 116 रुपीस। सो स्टूडेंट्स, आपको भी क्या करना है, ये जो नोट्स और कॉइन्स है ना, ये आपको भी हैंडल करने हैं। और पेज नंबर 172 पे ये जो नोट्स कॉइन्स दिए हैं ना, ये आपके पापा से या मम्मी से पैसे आपको लेने हैं, मतलब सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्विंग के लिए लेने हैं, ओके। सो ये होने के बाद आप उनको वो रिटर्न कर सकते हो, नहीं तो उनको भी आपके साथ बिठाओ और आप ये नोट्स और कॉइन्स का क्या करो, स्टडी करो, ओके। सो अलग अलग नोट्स लो और कॉइन्स लो और आपके पास कितने रुपीज़ है ये आप काउंट करो, ओके स्टूडेंट्स। और साथ में ये पेज नंबर 172 क्या करो, कंप्लीट करो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।